हॉलीवुड इनसाइट हिंदी पर आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई स्पेनिश मूवी 4x4। फिल्म की शुरुआत में हमें ऐसे इलाके को दिखाया जाता है जहां बहुत सारे सिक्योरिटी कैमरे लगे होते हैं और कैमरे भी सिक्योरिटी में होते हैं, जिससे पता चलता है कि इस इलाके में चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं। तभी हमें सीरो को दिखाया जाता है जो कि एक चोर है। वो पास में ही खड़ी SUV गाड़ी को देखता है और इधर उधर देख कर चुपचाप गाड़ी के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वो गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम को निकाल लेता है और गाड़ी के डैशबोर्ड को चेक करता है, जहां उसे एक चश्मे के अलावा कुछ नहीं मिलता है। फिर वो गाड़ी की बैक सीट पर पी भी कर देता है। इसके बाद सीरो बाहर निकलने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। वो बाकी के दरवाजे भी ट्राई करता है, लेकिन वो भी नहीं खुलते हैं। और फिर सीरो अपने पैरों से गाड़ी के शीशों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। अब वो पैनिक होने लगता है। फिर वो बैक सीट से स्टेपनी के टूल निकालकर उससे गाड़ी के फ्रंट ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें भी असफल रहता है। इसके बाद बैक सीट के डोर के प्लास्टिक को हटाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश के दौरान उसके हाथ में चोट लग जाती है। इससे वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और अपने बैग से गन निकालकर गाड़ी के फ्रंट ग्लास पर गोली चलाता है, लेकिन गाड़ी के ग्लास बुलेटप्रूफ होने के कारण गोली वापस उसके पैर में आकर लग जाती है। उसके पैर से खून निकलने लगता है, जिसे रोकने के लिए वो अपनी टी शर्ट उतार कर उसे पैर पर बांध लेता है। तभी एक लड़की उस गाड़ी की तरफ आती है। सीरो उसे आवाज देता है, लेकिन वो लड़की अपने बैग से लिपस्टिक निकालती है और लिपस्टिक लगाकर वहां से चली जाती है। सीरो अंदर से चिल्लाता रहता है, लेकिन उस लड़की को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती है। असल में यह गाड़ी साउंड प्रूफ होती है और गाड़ी के शीशे भी पोलराइज्ड होते हैं, जिनसे अंदर से बाहर तो सब कुछ दिखता है, लेकिन बाहर से अंदर कुछ दिखाई नहीं देता है। अब सीरो समझ जाता है कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। फिर वो अपना फोन निकालकर अपनी पत्नी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन तभी स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि उसके फोन में बैटरी बहुत कम होती है। इतनी मेहनत करने की वजह से उसे बहुत प्यास लगी होती है, इसलिए वो बैग में रखी कोल्ड ड्रिंक को पी लेता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में एक कीड़ा आवाज कर रहा होता है। सीरो उसे मारने ही वाला होता है कि वो अपनी और उसके सेम कंडीशन को देख कर उसे नहीं मारता है। अगले दिन सुबह सीरो को प्यास लगती है, लेकिन उसके पास पीने के लिए कुछ नहीं होता है। फिर वो म्यूजिक सिस्टम को वापस गाड़ी में फिट कर देता है और अपना टाइम पास करता है। तभी उसे म्यूजिक सिस्टम पर मी नाम से कॉल आती है। कॉलर उसे बताता है कि वो कार का मालिक है, उसका नाम एनरिक है और वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर उसे बताता है कि इससे पहले उसकी 28 गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं, इसलिए उसने ये एक 4x4 बनाई है जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ है। इसके शीशे बुलेट प्रूफ और पोलराइज्ड हैं। इसमें सिर्फ एक ही चीज बुलेट प्रूफ नहीं है, वो है गैस टैंक, जिसमें 120 लीटर गैस है। इसलिए अगर उसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो वो टैंक को एक्सप्लोसिव से उड़ा देगा। और एनरिक सीरो को यह बताता है कि वह गाड़ी के सारे फंक्शंस को फोन से कंट्रोल कर सकता है। सीरो उसे कहता है कि उसे प्यास लगी है। डॉक्टर उसे पूछता है कि अगर वो अपने बेटे को चोरी करते हुए पकड़ लेगा तो वह क्या करेगा। सीरो उसे कहता है कि उसे नहीं पता, और सीरो उसे कहता है कि वो उसे जाने दे, वरना वो उसे जान से मार देगा। इस पर डॉक्टर कॉल काट देता है और फिर गाड़ी का AC ऑन हो जाता है। पहले तो सीरो को काफी अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर टेम्परेचर बिल्कुल कम कर देता है, जिसने सीरो को ठंड लगने लगती है और वो अपनी टी शर्ट पैर से खोलकर पहन लेता है और AC के सारे वेंट बंद कर देता है। लेकिन फिर भी उसे ठंड लगती रहती है। ठंड से उसके होंठ नीले पड़ जाते हैं। फिर 7 से 8 घंटे बाद अचानक AC बंद हो जाता है और डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर फिर से वही क्वेश्चन पूछता है कि तुम अपने बेटे के साथ क्या करोगे। सीरो कहता है कि वो उसे पुलिस के पास ले जाएगा। डॉक्टर बताता है कि वो झूठ कह रहा है, वो उसका बेटा है और वो उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। ऐसा कहकर डॉक्टर कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला उस गाड़ी का चालान काटने आता है, क्योंकि उसके सारे शीशे पोलराइज्ड थे। सीरो अंदर से काफी चिल्लाता है, लेकिन फिर से कोई फायदा नहीं होता है। पुलिस वाला वहां से चला जाता है। कुछ घंटे बाद डॉक्टर का फोन आता है।
वो सिरो से उसका नाम और आईडी नंबर पूछता है। सिरो उसे सब कुछ बता देता है। बदले में डॉक्टर उसे बताता है कि पानी पीछे की खिड़की के पास वाटर होस में है। सिरो पानी को निकालता है, उसमें कुछ मिला हुआ होता है, फिर भी वो उसे पी जाता है। धीरे धीरे फिर से रात हो जाती है। रात में सिरो उस कीड़े से बातें कर रहा होता है जिसे उसने मारा नहीं था। अगले दिन सुबह वो खिड़की के मेटल को तोड़ने की कोशिश करता है, फिर डॉक्टर का कॉल आता है। सिरो उसे बताता है कि उसे फीवर है और उसे गोली भी लगी है। डॉक्टर उसे घाव के बारे में पूछता है, फिर वो गाड़ी में हीटर चला देता है और कहता है कि इससे उसे अच्छा लगेगा। फिर डॉक्टर उसे अपनी सारी गाड़ियों की चोरी की कहानी सुनाता है और सिरो धीरे धीरे फीवर की वजह से सो जाता है। थोड़ी देर बाद वो जागता है, उसे बहुत भूख लगी होती है इसलिए वो गाड़ी में रखे मैनुअल के पन्नों को खाने लगता है। उसे बहुत प्यास लगी होती है तो वो एक प्लास्टिक ट्यूब में पी करता है और उसे ही पी लेता है। फिर वो अपना टाइम पास कर रहा होता है, तभी वहाँ एक चोर आकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। सिरो काफी खुश होता है, लेकिन तभी वहाँ के लोकल लोग आ जाते हैं और चोर को पकड़ लेते हैं, उसे पीटते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। इससे सिरो की उम्मीद टूट जाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है। सिरो को बहुत भूख लगी होती है, वो उस कीड़े को खाने की कोशिश करता है जो उसके साथ ही गाड़ी में था, लेकिन फिर से वो उसे छोड़ देता है और उससे बातें करने लगता है। सुबह डॉक्टर का कॉल आता है, सिरो बिल्कुल अधमरी हालत में होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, वो बस उसे वहाँ से जाने दे। डॉक्टर उसे एक चॉकलेट के बारे में बताता है, सिरो वो चॉकलेट निकाल कर खा लेता है। इसके बाद सिरो थोड़ा अच्छा फील करता है, वो फिर से गाड़ी के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। काफी मेहनत करने के बाद गाड़ी के दरवाजे में एक छेद हो जाता है, लेकिन उससे इतनी आवाज बाहर नहीं निकलती कि उसे कोई सुन सके। थोड़ी देर बाद डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उससे बताता है कि वो उसके घर गया था और उसने उसकी वाइफ को $1,00,000 दिए और कहा कि सिरो ने एक लॉटरी निकाली थी जिसे वह जीत गया है। सिरो उसे कहता है कि उसने उसके साथ कुछ ऐसा नहीं किया है, फिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है और तुम इतनी अच्छी फैमिली डिजर्व नहीं करते हो। उन पैसों से तुम्हारी फैमिली एक नई लाइफ शुरू कर सकेगी, क्योंकि तुम तो अब उनके साथ रहोगे नहीं। फिर डॉक्टर उसे पूछता है कि क्या उसने कभी किसी का कत्ल किया है। सिरो मना करता है तो डॉक्टर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखकर बताता है कि उसने कई लोगों का कत्ल किया है जो उसे चोरी करते समय रोक रहे थे। इस पर सिरो पहले तो अपनी गलती नहीं मानता है और अपने कर्मों को जस्टिफाई करता रहता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि हाँ, उसने अपनी लाइफ में कुछ गलतियाँ की हैं और उनकी कीमत भी चुकाई है, पर अब वो उससे क्या चाहता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसे उसके कर्मों की वजह से चुना गया है। इसके बाद डॉक्टर कॉल काट देता है। फिर जब रात हो जाती है तो सिरो उस कीड़े को उस छेद से बाहर निकाल देता है जो उसने गाड़ी के दरवाजे में बनाया था। उसके बाद वो गाड़ी के स्टार्ट बटन को ऐसे ही दबाए जा रहा था कि अचानक गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वो गाड़ी को रिवर्स में ले जाकर एक पोल में ठोक देता है जिससे गाड़ी के शीशे टूट जाते हैं और वो बाहर निकल आता है। बाहर आकर वो सबसे पहले एक खाने की दुकान पर जाता है और वहां से बर्गर और पानी लेता है। फिर पास में ही टेबल पर बैठकर वो उसे खाने लगता है। तभी वहां एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे खाने के पैसों के लिए पूछता है तो सिरो उसे गोली मारकर मार देता है। फिर अचानक ही उसकी नींद खुल जाती है, असल में वो ये सपने में देख रहा था। उसके जागने के कुछ देर बाद उसे डॉक्टर का कॉल आता है। सिरो की हालत अब बिल्कुल अधमरी हो चुकी है। वो डॉक्टर से कहता है कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है और अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो वो खुद को गोली मार लेगा। सिरो अपने मुंह में पिस्तल रखकर ट्रिगर दबा लेता है, लेकिन पिस्तल मिस फायर हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि वो उसके सामने ही है और वो लाइट ऑन कर देता है। फिर डॉक्टर उसके साथ बैठ जाता है और पिस्तल उससे लेकर डैशबोर्ड पर रख देता है। उसके बाद वो उसे सिगरेट पिलाता है और उसके घाव को देखकर उसमें से पस निकाल देता है। फिर वो उसे बताता है कि उसे एक बीमारी है इसलिए वो सिर्फ 1 साल ही जिंदा रहेगा।
तभी डॉक्टर को एक कॉल आता है। इसी बीच सिरो पिस्तल उठाकर डॉक्टर पर फायर कर देता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन वो बहुत कमजोर हो चुका होता है इसलिए उससे चला भी नहीं जाता है। डॉक्टर उसे फिर से पकड़ लेता है। असल में गोली सिर्फ डॉक्टर के गाल को छूकर निकल गई थी। डॉक्टर उसे वापस एसयूवी में लेकर जाता है, तभी वहां एक पुलिस वाली आ जाती है। डॉक्टर उसे वहां से जाने के लिए कहता है और बताता है कि वो उसकी एसयूवी को चोरी करने की कोशिश कर रहा था और उसने उसे पकड़ लिया है। अब वो ये मैटर अपने आप सेटल कर लेगा, लेकिन वो पुलिस वाली वहां से जाती नहीं है। थोड़ी देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस वाले एक नेगोशिएटर को बुलाते हैं, उसका नाम एमाडियो होता है। एमाडियो डॉक्टर से बात करता है और वो डॉक्टर से सिरो को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है और वहां मौजूद सभी लोगों से वोटिंग करने के लिए कहता है। आधे लोग उसे छोड़ने के लिए कहते हैं और आधे उसे मारने के लिए कहते हैं। एमाडियो डॉक्टर को समझाने की सारी कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता है। तभी एमाडियो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो उसे मार दे, लेकिन इसके बाद उसमें और डॉक्टर में क्या फर्क रह जाएगा, और आखिर में तुम भी एक कातिल ही बन जाओगे। इसके बाद डॉक्टर के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वो सिरो को छोड़ देता है। फिर वो चुपचाप अपनी गाड़ी में अंदर बैठ जाता है और अपने फोन को बाहर रख देता है, जिसमें एक टाइमर चल रहा होता है। और टाइमर के खत्म होते ही गाड़ी में एक धमाका होता है। वहां मौजूद सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया। पुलिस सिरो को अपने साथ ले जाती है। सीन कट होता है और टीवी एंकर की आवाज सुनाई देती है, जो बताता है कि सिरो को छोड़ दिया गया है और अब एक डिबेट छिड़ गई है कि कौन सही था और कौन गलत। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।